ये स्वर है के रसधार, ये आवाज जाती है आत्मा के पार। ये पंक्तियां मैं येसुदास जी के लिए कह रहा हूं जिनका आज जन्मदिन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में येसुदास जी का विरला स्वर गूंजेगा। आज हम उनका जन्मदिन मनाएंगे इस कार्यक्रम में। उनके गानों से जुड़ी क्या यादें रही हैं आपकी? येसुदास का स्वर फिल्मी दुनिया के बाकी गायकों से कितना अलग है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है, ये सारी बातें हमें बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जब हम आएंगे और आपके रेडियो सेट पर आएंगे। मुलाकात दिन में 1 बजे होगी। www.facebook.com/vbsmumbai ये है विविध भारती का पेज। तो चलिए आज मनाते हैं येसुदास जी का जन्मदिन। ये कैसी है रसधार, ये आवाज जाती है आत्मा के पार। आइए सुने कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। एक ऐसा स्वर जो हमारी आत्मा के पार जाता है, एक ऐसी आवाज जिसकी खुशबू हमारे मन को महका जाती है। सारे संसार में फैली वो आवाज येसुदास की है। आज है उनका जन्मदिन और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज उन्हीं के गाने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं, उनकी बातें और टिप्पणियां हमें मिली हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में धीरे धीरे शामिल करेंगे। और इसके अलावा होंगी बहुत सारी पहेलियां। इस गाने के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम। आपको बताना है 2 बातें, एक तो ये कि गीतकार कौन है, दूसरा रुपहले पर्दे पर ये गाना कौन गा रहा है। मधुबन खुशबू देता है,
सजन बिना सुहागन फिल्म का ये गाना हमने कार्यक्रम में सबसे पहले आपके लिए पेश किया। सावन कुमार गीतकार ऐसा लिखा है एक श्रोता ने, और संगीत उषा खन्ना का ऐसा लिखा है, पर थोड़ा गलत जवाब हो गया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि राजेंद्र कुमार और नूतन एक पार्ट में, और इस गाने का जो दूसरा संस्करण है वो पद्मिनी कोल्हापुरे पर फिल्माया गया है। ये एकदम सही जवाब है, और गीतकार के बारे में जो सही जवाब है वो है इंदिवर ने ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने तो इस गाने का राग भी बताया, अहीर भैरव, और ये भी बताया कि ये पियानो पर आधारित गीत है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं जो अपनी बातें इस कार्यक्रम में लिख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे रहे हैं येसुदास के बारे में। येसुदास का स्वर आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा योगदान रखता है, कितना ज्यादा महत्व रखता है, ये आपके कमेंट से हमें समझ में आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि येसुदास का जीवन हमेशा एक सुंदर गीत रहा जो भगवान की रचनाओं के अनुरूप है। जब कभी मैं खुश होता हूं तो येसुदास का गीत जरूर सुनता हूं। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। एक और श्रोता, उनकी बात यह है कि येसुदास की आवाज ऐसी है कि हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनका प्रत्येक गीत कोमल, भावपूर्ण और सुखदायक होता है। चिचोर में उनके गाए गीत हमारे हृदय में अलग जगह रखते हैं। जब दीप जलियाना राग यमन पर आधारित गीत है और शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित गायक को चमकने देता है। एक छोटे से आलाप और फिर एक साधारण मुखड़े से आगे बढ़ता है ये गाना। इसके अलावा एक और श्रोता की बात यह है कि कट्टासरी जोसेफ येसुदास 10 जनवरी 1940 को जन्मे, और उन्होंने मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुलू, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी और अरबी सहित जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए हैं, और एक दिन में विभिन्न भाषाओं के 11 गाने रिकॉर्ड करने का योगदान उनका है। एक बेमिसाल रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। एक और श्रोता की बात, रेडियो पर येसुदास की गाने आजकल कम सुनाई देते हैं, पर शास्त्रीय संगीत का जादू है। मेरा मानना है कि येसुदास के गानों की कैसेट अगर कोई सुने तो पूरी खत्म होने से पहले उसे बंद नहीं कर पाएगा और दोबारा भी सुनेगा। इससे एक चीज याद आई, वो ये है कि क्या कैसेट्स के जमाने में येसुदास के गानों का कैसेट आपके पास था, और क्या आप उसे बार बार लूप पर सुना करते थे, बार बार उन गानों को लगाया करते थे? कैसेट से जुड़ी क्या यादें हैं ये बताइएगा। तब तक अगला गाना, फिल्म का नाम और कलाकारों का नाम आपको है बताना। कुछ श्रोता ये भी बता सकते हैं कि इस गाने के संगीतकार कौन हैं। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। बिंदिया की उड़ते आखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूम, रारी रारू ओ रारी रूम। सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे। कुछ पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी, रेशम से भी रेशमी,
अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। बिंदिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू ओ रारी रूं रारी रारू ओ रारी रूं। के रथ पर जाने वाले नींद का रस बरसाने वाले इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे। आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। बिंदिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू ओ रारी रूं रारी रारू ओ रारी रूं रारी रारू ओ रारी रूं रारी रारू ओ रारी रूं। सदमा फिल्म का ये गीत बहुत लोगों को पसंद और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि श्रीदेवी पर यह गाना फिल्माया गया था। इलैया राजा का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि हम लोग छोटे शहर में रहते थे, उस समय रेडियो ज्यादा नहीं सुन पाते थे, तो एक जरिया था मनोरंजन का कैसेट्स। कैसेट्स पर हम निर्भर हुआ करते थे और येसुदास की आवाज वाले कैसेट्स हमने बनवाए थे। एक और श्रोता की बात है कि उस समय मेरे पास दो कैसेट थे जो आज भी सुरक्षित हैं और उनके गाने आज भी याद। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि रात के रथ पर जाने वाले नींद का रस बरसाने वाले इतना कर दे मेरी आंखें भर दे। ये लाइनें उन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि येसुदास की विलक्षण प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 साल की उम्र में फोर्ट कोची में आयोजित होने वाली स्थानीय प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 1973 में उन्हें पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हिंदी में सबसे पहले सलील चौधरी ने आनंद महल फिल्म में येसुदास से गाना गवाया था। फिल्म नहीं चली पर इसके गाने बहुत मशहूर हुए थे। उसके बाद रविन्द्र जैन ने चिच्चोर के गाने 1976 में गवाए और ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और रविन्द्र जैन खुद येसुदास के मुरीद हो गए और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कभी आंखें मिलेंगी तो वो सबसे पहले येसुदास को देखना चाहेंगे। रविन्द्र जैन की इस बात को बहुत सारे श्रोताओं ने कोट किया है। मुझे लगता है कि 6 से ज्यादा कमेंट इस बात को लेकर आए हैं। और इसके अलावा एक दिलचस्प पंक्ति जो मुझे अच्छी लगी और जिसको एक पहेली में हमने बदल दिया है, तो ये जो पंक्तियां हैं इनको हमने एक पहेली में बदल दिया है। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है, किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ये एक इशारा है एक गाने का। बताइएगा कि ये किस फिल्म का गाना है जहां पर किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से और हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ये पंक्तियां आती हैं और ये पंक्तियां किस कलाकार पर फिल्म आई गई हैं, ये भी याद करके बताइएगा। जाहिर है कि ये गाना तो अब हम आपको नहीं ही सुनवा रहे हैं, अगला गाना तो नहीं है ये, आगे कार्यक्रम में आएगा कि नहीं ये हमें भी नहीं पता, पर अब ये गाना आ रहा है और आपको बताना है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे।
दादा फिल्म का ये गीत। एक श्रोता लिखते हैं कि दादा फिल्म में अमजद खान का रोल बड़ा शानदार था, और इसके अलावा एक एक करके सभी सवालों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, ये पंक्तियां फिल्म त्रिशूल में येसुदास ने गाई थी। उनके साथ ही गायक थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर, और जिन कलाकारों पर फिल्माया गया था गाना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और हेमा मालिनी, और साहिर लुधियानवी ने ये गाना लिखा था। इतनी सारी बातें हमारे एक श्रोता ने लिखी हैं, और ये भी कि दादा फिल्म का गीत जो है वो उसके संगीतकार उषा खन्ना हैं, और तबले का खास चलन और हारमोनियम इस गाने की खासियत है, ये एक श्रोता की बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि येसुदास की आवाज बहुत सुकून देने वाली है, दक्षिण भारत से होते हुए भी उनके हिंदी में गाए हुए गानों के उच्चारण बहुत पसंद है, और वो लिखते हैं कि आलाप और स्वामी जैसी फिल्मों के गाने उनके दिल के बहुत करीब हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि स्थानीय रेडियो स्टेशन से विविध भारती के कार्यक्रम इस समय जबकि कुछ बातें कुछ गीत आता है सुनाई नहीं देते, क्या किया जाए। इसका एक ही उपाय है कि आप ऐप पर सुनिए, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर वो कार्यक्रम सुनाई देते हैं जो विविध भारती के स्टूडियो से सीधे आप तक पहुंचते हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये कमेंट लिखा है कि येसुदास जी के जन्मदिन पर आपने ये थीम रखी है कि इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार से सजी धजी सर पर न्यारी बिंदी है, इससे प्यारी नहीं भाषा सबसे प्यारी हिंदी है।
और एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि आज मैं सोच में पड़ गया था कि तीन ऐसी महान शख्सियतों को याद करने का दिन है, येसुदास, बासु चटर्जी और सी रामचंद्र, तो आप किसको चुनेंगे? इसके अलावा मातृभाषा हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, तो आपने येसुदास जी को चुना। मधुर सुरीली आवाज, क्लासिकल और क्लासिक गीतों का आनंद लेने के लिए हम तैयार हैं। चलिए तो फिर आप तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। ये रहा अगला गाना। फिल्म का नाम क्या है ये आपको है बताना। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन, जितना मिले उसी में खुश हो ले। जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यह हर सपन। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन।
अपने पराये फिल्म का ये गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोता कह रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे गाने बज रहे हैं कि बस हम अपने रेडियो के पास से हट नहीं सकते हैं। और अमोल पालेकर और शबाना आजमी पर फिल्माया गया था ये गाना, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और योगेश का गाना बप्पी लहरी की तर्ज, ये भी कुछ श्रोताओं ने लिखा है। इसके अलावा अभी भी वो जवाब आए जा रहे हैं कि मोहब्बत बड़े काम की चीज है फिल्म त्रिशूल का गाना है और उसमें बीच में पंक्तियां आती हैं, किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। इसके अलावा मृदंग बजाते हुए अमोल पालेकर, ये भी एक कमेंट हमारे श्रोताओं ने हमें लिखा है। अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये गाना भी बड़ा ही अनमोल है। किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और कौन है गीतकार संगीतकार? तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, क्यों ना मिलते
మధనిస మధనిస चिचोर फिल्म का ये गीत। और बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हमें ये सारे गाने सुनकर अच्छा लग रहा है। अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर फिल्माया गया है ये गाना। एक और श्रोता है जिन्होंने उस्ताद राशिद खान साहब को याद किया है जिनका कल निधन हो गया, उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं के कमेंट जो हैं वो जरूर आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि येसुदास की आवाज ईश्वर की आवाज कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनकी आवाज में वो सब कुछ है जो शायद भगवान की आवाज में होगा। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिसे गीत संगीत की जरा भी परख होगी, संगीत से जरा भी लगाव होगा, उन्हें येसुदास के किसी भी गाने को वो नापसंद नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि बहुत लंबा कमेंट है, उसके अंश आपको पढ़ के सुनवाते हैं। कई श्रोता ये कहते हैं कि कमेंट पूरा क्यों नहीं पढ़ते। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि अगर सभी श्रोताओं कि अगर हम पूरे कमेंट पढ़ने लगें तो सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि कार्यक्रम का वक्त सीमित होता है तो इस लंबे कमेंट का एक अंश, महान शास्त्रीय गायक और आवाज के धनी येसुदास का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। यूं तो अनेक गायक हैं जिन्हें हम रोजाना रेडियो पर सुनते हैं, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार वगैरह, लेकिन येसुदास के गानों की बात निराली है। उनकी गीतों में एक अलग प्रकार का सुकून मिलता है, उनकी आवाज सबसे हटकर है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का कार्यक्रम येसुदास जी पर फिल्म केंद्रित किया गया है। अब जो गाना आ रहा है आपको उसकी फिल्म का नाम बताना है और कुछ श्रोता इस फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताएं।
है प्यार का इकरार भी है। जिंदगी को उभारना होगा, जिंदगी को संवारना होगा, दिल में सूरज उतारना होगा। आला फिल्म का ये गाना सभी ने कहा कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी हैं, और ये गाना जो है जयदेव जी का स्वरबद्ध किया गया है। ये बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ये बातें लिखी, और इसके अलावा ये भी कि येसुदास की आवाज़ जो है वो एक अलग किस्म का जादू हमारे श्रोताओं के मन पर कर रही है। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि ये कमेंट जो है ये लिखते हैं कि ये सभी गाने हमारे नस नस में बसे हुए हैं और स्कूल के दिनों के गीत हैं। घर में पढ़ते हुए रेडियो पर सुनना, स्कूल में सहेलियों के साथ ये गाने गाना, ये प्यारे दिन याद आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि रविन्द्र संगीत कला मंच द्वारा एक क्लासिकल कार्यक्रम में येसुदास जी को पटना बुलाया गया था और उसे और उनके कार्यक्रम को लाइव देखा था, तो वही सब गाने उन्होंने वहां सुनाए थे जो आज आप इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। चलिए ये है अगला गाना। आपको बताना है कि येसुदास के साथ जो महिला स्वर है वो कौन है, और दूसरा ये कि ये किस फिल्म का गाना है। साने रे सा, साने रे सा, सारे गम बधनी सा, निधा पा मगरी सा, सारे ने सा, सारे ने सा, सारे ने सा। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी, गाओ। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी, मूंगों से मोरी मांग भरी, मूंगों से मोरी मांग भरी, बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया सकित भई सगरी नगरी, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। भीड़ के बीच अकेले मितवा, अकेले मितवा, अकेले मितवा, जंगल बीच महक गए फुलवा, जंगल बीच महक गए फुलवा, कौने ठगवा बैया धरी, कौने ठगवा बैया धरी, सकित भई सगरी नगरी, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियान संभारे, बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियान संभारे, कितवन से मोक हरी, चकित भई सगरी नगरी, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। गम धनी
సగమధని సని ధమగత నిజగమధని నిధమగతని ధని సగమధ ధమగత నిధ మదని సగమ గతని ధనిత గతని ధనిత గతని ధనిత కాలి ఘోడి పే గోర సయ్యా చమకే चमक चमक चमके चमक चमक चमके चमक चमक चमके काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके कजरार मेघा में बिजुरी दमके बिजुरी दमके दब दब सर गई हमारी बरजोरी सैया ले जावे बरजोरी सैया ले जावे नाच चुनरिया उड़ी उड़ी जावे अंग अंग पीरंग रचावे अंग अंग पी रंग रचावे उनके कांधे लट बिखरी उनके कांधे लट बिखरी घोड़े दौड़ पड़ी काले घोड़े दौड़ पड़ी काली घोड़े दौड़ पड़ी काली घोड़े दौड़ पड़ी काली घोड़े दौड़ पड़ी चश्मे बदूर फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और चश्मे बदूर याद आई तो बहुत सारी चीज़ें याद आ गईं और ऐसी चीज़ें जो कि आपके मुस्कुराने का सबब बन सकती हैं। फारूक शेख दीप्ति नवल को बहुत सारे श्रोताओं ने याद किया और हेमंती शुक्ला ये नाम था येसुदास के साथ जो महिला गायिका गा रही हैं उनका एक श्रोता है जिन्होंने बड़ा गजब का कमेंट किया है क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स हैं। फिल्म का नाम चश्मे बदूर साल 1981 दीप्ति नवल फारूक शेख विनोद नागपाल और गायकों के नाम जो मैंने अभी बताए निर्देशक सई परांजपे और संगीतकार राज कमल जी। इतनी सारी बातें यही हैं हमारे श्रोताओं का कमाल कि उनकी जानकारियां हैं बेमिसाल। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना जिसकी फिल्म का नाम आपको है बताना। का करूं सज छुपाए सावन हो तुम मैं हूं
स्वामी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए इस बारे में कि ये किस फिल्म का गाना था। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने तो ये भी लिखा है कि मेरे घर में येसुदास जी के गाने जरूर बजते हैं, अगर कोई काम हो तो बात अलग है, वरना कोई भी सुबह ऐसी नहीं होती जब घर पर येसुदास जी की आवाज सुनाई नहीं देती। ये एक श्रोता की बात। और उसके अलावा एक और श्रोता की बात यह है कि येसुदास के संगीत की ताकत ये थी कि वो हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई दूसरी भाषाओं में गा रहे थे और केवल 37 साल की उम्र में 1977 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें। और अब आ रहा है गाना। आपको बताना है कि किसके माथे की सितारा बिंदिया की बात हो रही है, यानी कौन है कलाकार इस गाने में। देखा चाहो आज धीरे धीरे घूंघटा सर का वो सरताज, ओ जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। कवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये ब
बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा हो, जरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। भाई ये गाना सावन को आने दो फिल्म का था और बहुत सारे श्रोता ने अरुण गोविल जरीना वहाब का नाम लिखा है, राजकमल और पुरुषोत्तम पंकज का नाम लिखा है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि जैसे ही कार्यक्रम शुरू किया आपने इस गाने का इंतजार था, फाइनली आ गया, मन खुश हो गया। हमने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर फिल्म देखी थी, छठवीं सातवीं में पढ़ते थे और आज भी एकदम दिमाग पर ये फिल्म छाई हुई है। बच्चे इतने बड़े हो गए पर ये फिल्म दिमाग से जाती नहीं है। और एक श्रोता लिखती हैं कि बेहद खूबसूरत आवाज, इनकी जादुई तिलस्म हो गया है एक घंटे के लिए। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि रुपेले पर्दे पर कौन सुनैना को पुकार रहा है, वो कौन कलाकार है जो सुनैना को इन नजारों को दिखा रहा है। पलकों की प्यारी कहाँ, फूलों की
खुशबू से की दोस्ती, तीन के रंगों से यारी कहाँ। तो ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। आखिरी गाना नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। और अब समाचार।